कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई है उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन पर हमलावर हो चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का साथ देने और साथ ही कोरोना वायरस की बात छुपाने का आरोप लगाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका के द्वारा WHO को दी जाने वाली फंडिंग रोकने की धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने संकेत दिए हैं कि इस दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई मौकों पर अमेरिका के साथ भेदभाव किया है, ऐसे में वो हम पर राजनीति करने का आरोप नहीं लगा सकते। चीन WHO को सिर्फ 42 मिलियन देता है लेकिन अमेरिका 450 मिलियन की मदद देता है और इसके बावजूद सब कुछ चीन के हक में ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी बयान सामने आया। WHO के डायरेक्टर जनरल ट्रेडॉस ने यह कहा कि वायरस के मुद्दे को किसी भी तरह राजनीति में नहीं लाना चाहिए। अगर आप इसे हल्के में लेना चाहते हैं और सब कुछ नकार देना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि और भी लोग मरें तो आप इस पर राजनीति ही करिए।